नागपुर शहर में नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं तो आरोपी के चंगुल से भागने के लिए पीड़िता ने बाथरूम की छत से छलांग लगा दी, जिससे कि उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल अंबाझरी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीती रात नौकरी का झांसा देकर युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी के चंगुल से भागने के लिए पीड़िता ने बाथरूम की छत से छलांग लगा दी, जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अंबाझरी थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित 24 वर्षीय युवती है, उसे नौकरी की तलाश थी। मोर भवन बस स्टैंड पर उसकी मुलाकात नीलेश योगेश्वर हिडाऊ MSEB कॉलोनी भंडारा निवासी से हुई। वैसे तो नीलेश मजदूरी करता था, लेकिन उसने पीड़िता को नौकरी दिलाने की हामी भर दी। नीलेश ने पाड़े स्थित एक होटल में रिसेप्शनिस्ट पद के लिए इंटरव्यू देने का झांसा देकर सोमवार की शाम 7 बजे युवती को पार्टी बुलाया। युवती के तय समय पर वहां पहुंचने पर नीलेश उसे पार्टी के होटल में न ले जाते हुए उसे एक पुराने मकान में ले गया। वहां उसने युवती से दुष्कर्म किया। पश्चात युवती ने उसके चंगुल से बचने के लिए बाथरूम की छत पर चढ़ी और वहीं से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक निरीक्षक बोवनी दल बल के साथ पहुंचे। गंभीर हालत में पीड़िता को मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस दौरान मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने देर रात आरोपी को रामनगर चौक से धर दबोचा। एक हॉटेल मध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून जॉब आहे आणि त्याच्या इंटरव्यू साठी जायचं आहे, तर मग तो तिला घेऊन बसने भंडाऱ्याकडे गेला असं पीडित मुलीचं म्हणणं आहे। घटनास्थळ आणखी निश्चित नाही आहे। तिथे नेऊन तिच्यावर त्याने लैंगिक अत्याचार केले, कुणालाही सांगू नको म्हणून धमकावले होते। त्याच रात दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिला घेऊन गणेशपेठ बस स्टँडला आला आणि तिथेही तिला सांगितलं की सदरची माहिती जर कोणाला सांगितलं तर तुला मी जीवे ठार मारेल म्हणून। आरोपी हा सध्याचा त्याचा पत्ता जो आहे तो हसनबागचा आहे, किरायाने राहतो तो, आणि विचारपूस केलेली आहे त्याला, तर तो म्हणतो की मी मजुरीचेच कामं करत होतो। बाकी आणखी माहिती घेणं बाकी आहे, तपासात निष्पन्न होईलच। NBC न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।